What is up people, मेरा नाम है पोन्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार चैलेंज। तो इस चैलेंज का नाम है फोन वर्सेस DSLR चैलेंज। बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारे पास प्रॉपर गियर नहीं है, इसलिए हम फोटोग्राफी नहीं कर पाते। ये चैलेंज मेनली उन्हीं लोगों के लिए है। तो इस चैलेंज में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ फोटोज और आपको गेस करना है कौन सी फोटो DSLR से ली गई है और कौन सी फोटो ली गई है फोन के कैमरा से। देखो यार एग्जैक्टली मैं रेप्लिकेट नहीं कर सकता दोनों फोटोज को, क्योंकि कहाँ फोन का सेंसर और कहाँ DSLR का सेंसर, तो ये चीज ध्यान में रखना। और इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहली फोटो आपकी स्क्रीन पर ये रही। ये तो इजी है। एंड योर टाइम इज अप। तो पहली फोटो है DSLR की और सेकेंड फोटो है फोन कैमरा की। अब ऐसी लाइटिंग से फोटो कैसे खींचने है ये मैंने आपको बताया था अपनी एपिक लाइटिंग ट्यूटोरियल वाली वीडियो में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, उसे बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो अब आ जाते हैं अपनी सेकंड इमेज पे और सेकंड फोटो आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो कर पाए गैस? अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर पाए तो मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट इमेज है वो है फोन कैमरा की और जो सेकेंड इमेज है वो है DSLR की। आई नो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे पहली फोटो में तो काफी ग्रेन है, क्लियरली दिख भी नहीं रहा और सेकेंड फोटो इतनी क्लियर है। वो इसलिए क्योंकि मैं जान बूझ के अपना ISO काफी बढ़ा दिया था उस टाइम जब मैं फोटो ले रहा था, ताकि आपके लिए चैलेंज थोड़ा सा टफ हो सके। अब आ जाते हैं अपनी थर्ड इमेज के ऊपर। ये तो काफी इजी हो गया, आई थिंक कोई थर्ड क्लास का बच्चा भी आसानी से बता सकता है दोनों के अंदर डिफरेंस। तो थर्ड इमेज आपकी स्क्रीन पर ये रही। ये तो आई थिंक तुम लोगों ने गेस कर ही लिया होगा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो फर्स्ट इमेज है वो है फोन कैमरा की और सेकेंड इमेज है वो है DSLR की। सबसे बड़ा गिव अवे उस फोटो में था डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब बैकग्राउंड ब्लर भी कह सकते हो आप उसे, जो कि दोनों में काफी डिफरेंस है। अब आ जाते हैं फोर्थ इमेज पे और फोर्थ इमेज आपकी स्क्रीन पर ये रही। कर लिया? आई थिंक कर ही लिया होगा यार, इतना भी हार्ड नहीं था। तो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट फोटो जो है वो है DSLR की और सेकंड फोटो है फोन कैमरा की। अब इन फोटोज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था सेंसर का डिफरेंस दोनों कैमरास के बीच। अब DSLR सेंसर और फोन सेंसर में ये डिफरेंस है कि फोन के सेंसर जो होते हैं वो इमेज को ओवरशार्प कर देते हैं ताकि क्वालिटी बड़ी दिखे, इसलिए आपको दोनों इमेजेस के बीच में स्क्रैच एक फोटो में ज्यादा दिखेंगे, एक फोटो में कम दिखेंगे। तो फिफ्थ और फाइनल फोटो आपकी स्क्रीन पर ये रही। इन दोनों फोटोज में भी एक मेजर डिफरेंस है। अगर तुम लोगों को पता लग गया तो अभी पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट फोटो है वो है DSLR की और सेकंड फोटो जो है वो है फोन कैमरा की। जो इन फोटोज के बीच में सबसे बड़ा गिव अवे था वो था शार्पनेस, जो कि फोन कैमरा ओवर शार्पन कर देता है फोटोज को, तो उनमें नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है और DSLR इस चीज का ध्यान रखता है, जो कि फोटोज में अलग से पता लग जाती है। तो यार ये था एक छोटा सा चैलेंज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस।